बाबा साहब की स्मृति को प्रणाम करते हुए व्यास मिश्र लिखित कौन था से बीनी चदरिया जो नया उपन्यास भी आया है उसके समर शेष है खंड का कुछ पार्ट मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन एक डॉक्टर ने सन्यासी का बाना क्यों धारण किया हुआ है, यह सवाल अनुत्तरित हवा में तैरता रहा। अमीय को इसे समझने में देर नहीं लगी। जी न मैं पूरा डॉक्टर हूं न सन्यासी। डॉक्टरी की पढ़ाई से मन विरक्त सा हो गया था, आत्मा बेचैन रहती थी, सत्य की तलाश में पढ़ाई अधूरी छोड़ हिमालय चला गया था। सन्यास की दीक्षा ले ली, वहां के गिरिकंदराओं और साधु संतों के बीच मेरा 1.5-2 साल का प्रवास रहा। प्रवास से सीख मिली कि हिमालय में भटकने से आत्मा की बेचैनी दूर होने वाली नहीं, सत्य से साक्षात्कार नहीं होने वाला। चलना चाहिए लोगों के संघर्ष में भाग लेने। कुछ दिन आर्य समाज के स्वामी अग्निवेश और इंद्रवेश के साथ हरियाणा में काम किया। जेपी के आह्वान पर आपके बीच आ गया हूँ। हिमालय ने सन्यासी का पाना पाना दिया। अमीय ने सवाल का जवाब दे दिया। जंगी सिंह अध्यक्ष के बगल वाली कुर्सी पर बैठे थे। मन अमीय के प्रति आदर से भर गया। जहानाबाद के आरएमपी और कंपाउंडर भी अपने को डॉक्टर कहते हैं। जरा सा आदर मिल जाने से सामान्य साधु अपने को सिद्ध पुरुष मानने लगता है। डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ हिमालय के रूखे कठोर पर्वत मालाओं के बीच सत्य की तलाश में भटकना कोई हंसी ठट्टा थोड़ी ही है। ठाकुर बजरंगी सिंह को स्वामी सहजानंद सरस्वती याद आ गए। जमींदारी अन्याय के विरुद्ध अलग जगाते स्वामी जी को उन्होंने बचपन में देखा था। जमींदार उनके दुश्मन बने रहते जबकि गरीब किसान उन्हें अपना देवता मानते। बजरंगी सिंह के मन में कुछ कुलकुलाया। क्या खास है मध्य बिहार की माटी में कि बिहार के बाहर से लोग खींचे चले आते हैं। वर्षों पहले स्वामी जी और अब यह युवा सन्यासी। स्वामी जी बिहार आए तो यही के होकर रह गए। लेकिन क्या मालूम इधर आंदोलन ठंडा पड़े और सन्यासी जी वापस निकल गए। उनके चेहरे पर मुस्कान की हल्की रेखाएं खींच गई। प्रत्यक्ष में बोले, साथियों सन्यासी जी या यो कहें डॉक्टर साहब से अब लोगों का परिचय हो गया, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जंगी सिंह ने अमीय से कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया। उसने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया और त्यागी जी के साथ दरी पर जम गया। बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हुई। अमीय ने अपने झोले से छोटी सी नोटबुक और कलम निकाली थी ताकि महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट किया जा सके। साथियों माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से सभा की कार्रवाई शुरू होती है। आग्रह होगा कि पिछली बैठक की कार्रवाई की संपुष्टि की जाए। कार्रवाई आप सबको डाक से भेज दी गई थी, जिन्हें नहीं मिली हो उनको उसकी प्रति अभी दे दी जाएगी। जंगी सिंह ने बाहैसियत संयोजक कार्रवाई आगे बढ़ाई। संपुष्टि के उपरांत अनुपालन पर चर्चा प्रारंभ होगी। पाया गया कि गत बैठक के आधे से अधिक निर्णयों पर अभी कोई काम नहीं हो सका था। ठाकुर बजरंगी सिंह पूर्ण अनुपालन न होने की सूचना से चिंतित हो गए। बोले, साथियों हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हर गांव नहीं तो कम से कम हर पंचायत में जन संघर्ष समितियों का गठन जरूर पूरा कर लेंगे। जहानाबाद को छोड़ शेष प्रखंडों की 8 आने वाली पंचायतों में भी यह काम पूरा नहीं हुआ है। हम सभी को इस पर गंभीर होना चाहिए। जंगी सिंह जैसा जीवट में किसी में न था, परंतु स्वीकार कैसे करते। घोसी प्रखंड अध्यक्ष जीवेश शर्मा ने कठिनाई की दाही। अध्यक्ष जी अब क्या कहें, हमारे प्रखंड के गरीब छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों का कहना है कि आंदोलन में से हमें क्या फायदा। गरीब किसानों को खेती के लिए जमीनें चाहिए और मजदूरों को वाजिब मजदूरी। आंदोलन के एजेंडे में यह मुद्दे है ही नहीं।
केवल नाम के लिए हर पंचायत में जल संघर्ष समिति गठित करना मुझे अनैतिक लगता है। बिना वास्तविक जन के संघर्ष समितियां बेजान लगेंगी। पूरे हॉल में अस्तब्धता छा गई। डॉक्टर अमिया ने इस बिंदु को नोट किया। अध्यक्ष जी ने रास्ता सुझाया, आप किसानों और मजदूरों को भी छोड़िए ना, नौजवानों पर फोकस कीजिए, अपने प्रखंड की सोती तरुणाई को जगाइए। जयप्रकाश का बिगुल बजा है, जाग उठी तरुणाई है, नहीं सुना है क्या? जिवेश शर्मा ने सिर हिलाया, मतलब वो समझ गया था, परंतु जंगी सिंह के साथ आए अरविंद सिंह ने जैसे सूत्र को पकड़ दिया। साथियों, हमारे जिले में गरीब किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की तादाद काफी ज्यादा है। कोई भी जन आंदोलन बिना मजदूर को साथ लिए सफल नहीं हो सकता। उसके उनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है, न तो उन्हें सरकार की पूरी मजदूर न तो उन्हें सरकार पूरी मजदूरी देती, न ही भूस्वामी। बड़े भूस्वामी अपने कमियां और खेतिहर मजदूरों को अपना गुलाम समझते हैं। गैर मजरुआ जमीनों पर बड़े मझोले भूस्वामी गैर कानूनी ढंग से काबिज हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, गरीब किसान बेचारे क्या करें? हमें गैर मजरुआ जमीनों और मजदूरी के मुद्दों को उठाना चाहिए, फिर देखिए जेपी आंदोलन कितना सफल हो जाता है। ठाकुर बजरंगी सिंह इस अप्रिय प्रसंग को टालना चाहते थे। उन्हें इस सवाल पर संघर्ष समिति में फूट पड़ जाने का अंदेशा था। संघर्ष समिति क्या थी? चूचू का मुरब्बा थी। उसके संघर्ष उसके सदस्यों में से अधिकांश अपने राजनीतिक दलों की निष्ठा और कार्यक्रमों से बंधे थे। यही नहीं, वे मुख्यतः सुखी संपन्न किसान परिवारों से आते थे। जो सवाल अरविंद ने उठाए थे, वो सवाल कम्युनिस्ट पार्टी वाले हमेशा उठाते रहते थे। संसोपा वाले भी कभी कभार ये सवाल उठाते थे, पर उनकी राजनीति संसोपा की से संसोपा ने बांधी गांठ पिछले पावे 100-60 पर ज्यादा केंद्रित थी। संघर्ष समिति में शामिल संगठन कांग्रेस और जनसंघ के अपने अपने जनाधार एवं नीतियां थी। संगठन कांग्रेस की जहानाबाद के धनी किसानों में पैठ थी। जनसंघ शहरी व्यवसायियों के बीच अधिक सक्रिय थी। उसे ब्राह्मण बनिया पार्टी भी कहा जाता था। इन दोनों के एजेंडे में ऐसे सवालों के लिए जगह ही नहीं थी। हालांकि भारतीय लोकदल खुद को किसानों का रहनुमा मानता था, लेकिन ऐसे सवालों से बचता रहता था। बड़े किसानों के छिटक जाने का खतरा था। इसी के साथ इस बार इस उपन्यास के बाद का मैं अंत करता हूँ, और लगभग इसी तरह की पृष्ठभूमि पर यह पूरा उपन्यास केंद्रित है। जो बात से धन्यवाद। शुक्रिया अनिल जी। जैसा कि अनिल जी ने जिस हिस्से को पढ़ा, उससे पता भी चलता है कि पूरा उपन्यास जयप्रकाश आंदोलन 70 के दशक से लगभग 30 वर्षों का जो वक्फा है उसे कवर करता है। और जयप्रकाश आंदोलन में भाग लेने आया एक डॉक्टर जो सन्यासी भी है, जो कंदराओं में रहा है पहाड़ों की, वो आंदोलन में शामिल होता है और फिर जेपी के कौर पर जहानाबाद के इलाकों में मध्य बिहार के आंदोलनों में हिस्सा लेता है। उसके बाद उसके क्या अंतर विरोध रहे, घात प्रतिघात रहा, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इस पर ये पूरा उपन्यास, इस पूरे एक उपन्यासिक कृति है। व्यास जी सबसे पहले ये जानना चाहते थे कि आप पेशे से प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, और ये एक संघर्ष जिस तरह का उपन्यास है उसके लिए जरूरी है कि एक उस तरह का अनुभव चाहिए, उन लोगों से जुड़ाव, संलग्नता, उससे वाकफियत चाहिए। तो आपको ये उपन्यास लिखने की क्यों जरूरत महसूस है या प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा कि पहले उपन्यास के बाद मैं ऐसे विषय पर काम करना चाहता था, थीम इससे बिल्कुल अलग थी। मुद्दा विचार यह आ रहा था कि कुछ विद्यार्थी हैं जो स्वाभाविक है कि 70 के दशक में जो भी देश की परिस्थिति थी उसमें आदर्शवाद कैंपस पर बहुत ज्यादा, कैंपस के विद्यार्थियों के बीच में आदर्शवाद का बहुत ज्यादा था, और हमारी भी पढ़ाई लिखाई उसी दशक में हुई थी। तो हमने सोचा कि संभवतः उस दशक में जो लोग आदर्शवादी थे किसी वजह से वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते थे, अन्य चीजें करने लगे थे, तो कोई पत्रकार बन गया था, कुछ प्रशासन था, कि हमने गाँव में चला गया था, तो क्या उन्हें इस सालता होगा क्या कि हम जो चाहते थे नहीं हो सका।
सालता होगा तो क्या ऐसा संभव है कि एक समय के बाद तो सब कुछ छोड़ करके पुनः अपने आदर्श की प्राप्ति में लग जाते हैं। उस समय में दिल्ली में था, मैं उसी सिलसिले में उस तरह के पुराने आदर्शवादी जिनको मैं समझता था, मेरे उनके दिल्ली जी थे। जब मैं पटना आया, मेरी पोस्टिंग से जब मैं पटना आया तो मैंने उसी तरह के सज्जन से चर्चा की, तो मुझे ज्ञात हुआ कि मैं बिल्कुल एक रोमांटिक दुनिया में जी रहा हूँ, यथार्थ वैसा है नहीं। तो उस दर्शक के आदर्शवादी थे, कोई जरूरी नहीं क्योंकि दिल में सब कुछ जीवित हो, वो आप जो दुष्यंत कहते हैं कि आवश्यक नहीं। उसी दौरान मेरी बातचीत जंग बहादुर सिंह से हुई। जंग बहादुर सिंह जो झालावाद में जो आंदोलन की चर्चा जो सुनी थी, जंगी सिंह के पास आप उसमें जंगी सिंह जंग बहादुर सिंह को भी देख सकते हैं। तो मेरी मुलाकात हुई, मेरी उनसे पहले से उनसे मेरा परिचय हुआ करता था, और तब उनसे बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि कोरी में मध्य बिहार के पूरे किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में चीजों को रखूं, और चूंकि वाकफियत मेरी थी उस आंदोलन से, मैं शुरुआती दौर में अपने करियर की शुरुआती दौर में गया में मेरी ट्रेनिंग हुई थी, जिस समय नक्सल आंदोलन चरम पे था 1983 में ट्रेनिंग हुई थी। जहानाबाद के पूरे क्षेत्र में, औरंगाबाद के पूरे क्षेत्र में, जो कहा जाए कि पलामू तक के पूरे क्षेत्र में जो भी घटनाएं हो रही थी, उसको घटनाएं हमारे जानकारी में आती थी, कुछ इलाकों में तो कुछ जानने का मौका भी मिलता था, जो अधिकारी मिलता था, तो मैं उन चीजों को जानता था। और कहीं ना कहीं जब डॉक्टर विनियन नाम के जो वहाँ के सन्यासी जो दबा व्यक्ति जब वे जेल से निकले थे 1989 के आसपास, और जब जनमुक्ति आंदोलन का गठन किया था, तो उससे पहले से ही तो वो डाउन थे, मैं ट्रांसफर हो गया था यहाँ पे, मैं जहाँबाद पास वगैरह में आ गया। तो एक दिन उसे मिलने के लिए आए थे, तो उसी समय से मेरा उनसे परिचय हो गया था। और जनमुक्ति आंदोलन के बाद से वो तरीके से मुझे काफी, तो हमें लगा कि जन बहादुर सिंह से जो बातें हो रही है, तो पूरी बातें उसी आंदोलन के संदर्भों में हो रही है, इसकी पूरी सी पृष्ठभूमि को लेकर बन जाएगा। एक तो वाकफियत थी बहुत सारी घटनाओं का, प्रशासक के रूप में ये जानकारी थी, और इन लोगों से जो बातचीत हो रही थी उनके वैचारिक पृष्ठभूमि की भी जानकारी मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि आदर्शवादी लोगों का क्या हश्र बाद में हुआ होगा, क्या सोचा होगा, मैंने उसको छोड़ के पूरी सी थीम पे आगे बढ़ा जाए। फिर जैसे आपने बताया कि एक बतौर प्रशासनिक पदाधिकारी वहाँ गए, उन लोगों से तो परिचित भी था, आंदोलन से भी थोड़ा लगाव, तो ये जो पृष्ठभूमि, जैसे आपने विलियन की चर्चा की, जो डॉक्टर अली है, कई लोग कह रहे हैं कि उनका लगभग विलियन से काफी मिलता जुलता है, बल्कि विलियन का ही प्रतिरूप है वो, तो क्या ये पूरा उपन्यास कहीं एक तरह से इतिहास की तरह तो नहीं है, उस पूरे आंदोलन का एक दस्तावेजीकरण की तरह है? मान लीजिए जब आप उपन्यास लिख रहे होते हैं कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं पर जो घट चुका होता है, तो रचनात्मक स्तर पर आपने क्या चुनौती महसूस की? हाँ, ये जबरदस्त चुनौती थी कि जब आप किसी आंदोलन के बारे में लिखते हैं तो खतरा ये है कि आप क्रिटिकल होकर लिख रहे हैं, या उसके पक्षी होकर लिख रहे हैं, या न्यूट्रल होकर के लिख रहे हैं। दूसरा, उपन्यास जब आप उस पर लिखते हैं तो और चुनौती आती है कि पठनीय होना चाहिए, चूंकि दस्तावेजीकरण में तो वहां भी घटनाओं का विवरण दे दिया, अखबारों में घटनाएं निकलती रहती थी, लेकिन उसको अगर पठनीय बनाना है, कहानी की शक्ल देनी है, तो चुनौती थी कि कहानी की शक्ल कैसे दी जाए। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो चीजें मैं जानता था और जो इन लोगों से पता चला, उसमें बहुत सारे कल्पना के चीजें मिलानी पड़ी। जैसे इमरजेंसी से संबंधित सारा का सारा जो प्रकरण है वो उस आंदोलन से अलग है, सिवा इसके कि हमारे जो उसमें नायक हैं वो जेल में बंद हैं यहाँ पे फिलहाल शरीफ में, क्योंकि फिलहाल शरीफ में ही बंद थे, ऐसा उस समय कुछ जो लोग बंद उनके बैठे उनके बारे में पता चला, लेकिन जेल में क्या कर रहे थे ये कल्पना है। उनको हमने लाला विश्वविद्यालय भेजा, क्योंकि वो कभी गए नहीं थे, लेकिन मैं वहाँ का प्रोडक्ट रहा हूँ, उसमें पात्र हैं जो वहाँ के प्रोडक्ट रहे हैं, और हम लोगों ने इमरजेंसी में सत्ता की जो चीजें होती हैं, मतलब हम तो निशा का वारंट था, तो भागे हुए थे, तो हम उस चीज को महसूस करते कि क्या होता होगा, कैसे होता होगा, और फिर हम जेल में ले गए, क्योंकि जेल में तो कभी गए नहीं थे, क्योंकि कहानी को गढ़ना था। तो फिर हमने लगा कि कई कई चीजें ऐसी जो आप कह सकते हैं कि आप आधा हकीकत आधा फसाना, तो फसाना गढ़ के और एक कहानी का रूप दिया जाए,
अभी भी जो उस इलाके के लोग उसको पढ़ रहे हैं तो कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि उनके जीवन में कोई किरण नाम की महिला आई थी। मैंने कहा यार कहानी है, सब कुछ वही नहीं है। तो ये चुनौतियां थी कि पढ़ने लायक बनाने के लिए बहुत सारी चीजें आपको देनी पड़ती है, पर एक किरण नाम की महिला इसलिए डाली गई हमारे उस समय। मैंने लिखते समय शोध भी करना शुरू किया, काफी मैंने शोध भी किया, उनके लेखों को लिया, उनका अंतिम इंटरव्यू मेरा जिन्हें लिया था उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। मेरा उनसे भी अपना इंटरेक्शन रहा था, उनके साथियों से शशि किशोर जी हैदराबाद, उनसे उनके बड़े भाई उदय शर्मा जी हैं, उदय शर्मा जी ने भी मुझे कुछ फीड दिया था कि कुछ चीजें ऐसी हैं। और एक साथी शेखर है जो आज आए नहीं है कॉमेंट शेखर, उन्होंने कहा देखो मनुष्य जो है लोहा या वुडन नहीं होता, वुडन नहीं होता, इसलिए उसके अंदर कुछ धारा बहती है अनुराग की, तो आप कैसे मैं उस धारा को दिखाता, इसलिए चुनौतियां थी कि धारा को दिखाने के लिए कहानी को करना पड़ा। कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से वहां का दस्तावेजीकरण भी नहीं होगा और पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी भी नहीं होगी, ये दोनों को मिला करके एक इसकी कुछ भी बनाई गई, लेकिन ये सही है। इसलिए मैंने उसमें लिखा भी मध्य बिहार के किसान आंदोलन के पृष्ठभूमि पर लिखा। अब जैसे आपने कहा कि मध्य बिहार खास करके अभी नागार्जुन पर चर्चा भी हो रही थी और 78 या 79 में हरिजन गाथा जो उनकी कविता है, और अभी जब अनिल जी पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा भी है कि ये जो अमी है एक सन्यासी है और सन्यासी उसके बाद वो सियासत में आता है, राजनीति में आता है। और जंगी सिंह ने जो बात कही कि इस तरह का पात्र इससे पहले भारत में या बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती हुए, तो क्या आपको जब ये लिखते समय, क्योंकि उनकी भी कर्म भूमि यही थी, उनका इलाका यही था, तो क्या एक आपको लगा कि एक कनेक्ट है उससे जो जोड़ रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती से डॉक्टर विनय को या अमीय को? एक्चुअली जब डॉक्टर अमीय जेपी के बुलावे पे आते हैं तो उस समय तो ये सोच के आते हैं कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चल रहा है और उनकी जो विचार दृष्टि है उसमें मेंशन किया है, उनके भाई मार्क्सवादी थे और बचपन से वे मार्क्सवाद उनको बताते थे, लेकिन उनके पिता आर्य समाजी थे, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि आर्य समाजी थी, तो वो वहाँ पे धार्मिक ग्रंथ उनको पढ़ाए जाते थे, बताए जाते थे। और जब वो विद्यार्थी के रूप में मैंने चित्रण किया है मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में, हालांकि वो आगरा मेडिकल कॉलेज के थे लेकिन हमने कहानी में इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज दिखलाया है क्योंकि मेरा उससे परिचय है मेडिकल कॉलेज से और पूरे इंस्टीट्यूट से। उन्होंने उसमें निराला जी का जिक्र किया, इलाहाबाद शहर में निराला जी का परिवर्तन की बात सुनता है। उस समय जेपी जगह जगह जाकर युवकों का आह्वान करती थी, इलाहाबाद भी गए थे, हम भी उनसे मिलने गए थे अपने प्रोफेसर के साथ, और वहां पर भी उन्होंने आह्वान किया था कि बिहार में आके गाँव में आप लोग काम करिए, तो व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन हो रहा। तो जब वो व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के लिए हमारा पात्र आता है और वहां से जब उसको कहते हैं कि मध्य बिहार में काम कीजिए, और जब मध्य बिहार में वो जाता है तब निश्चित तौर से पाता है कि जो व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के रूप में मैं काम कर रहा हूँ वो आंदोलन मूलतः व्यवस्था परिवर्तन जैसा दिखलाई नहीं पड़ रहा, उसकी जो अवभूमि है वह उस दशा में मुझे लगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जमीन की बात जमींदारी जैसी पूर्व व्यवस्था के विरुद्ध काम किया था और जमींदारी व्यवस्था समाप्त होने के बावजूद भी जो बड़े बड़े भूमिपति हैं या जो जातीय उत्पीड़न की व्यवस्था है वो व्यवस्था तो हमारा नायक देख रहा है उस इलाके में, इसलिए अगर वो व्यवस्था परिवर्तन की चर्चा करेगा तो निश्चित तौर से गैर मुजरमा जमीन की चर्चा करेगा। और फिर ये कि जो मध्य बिहार का आंदोलन हुआ था उसमें गैर मुजरमा जमीन की चर्चा, सीलिंग की चर्चा हो गया, चर्चा और मजदूरी का सवाल, चूंकि मैं प्रशासन में था तो मजदूरी का सवाल बहुत ही प्रमुख है, तो गाँव हड़ताली हुआ करती थी, इसलिए मुझे लिंक दिखाई पड़ गया कि जो चीजें स्वामी जी के समय चली और जहाँ पर छूट गई उसके से आगे इस पात्र को बढ़ाना चाहिए, इसलिए स्वामी जी के साथ इसको लिंक करने की एक तरीके से कह सकते हैं कि आवश्यकता भी थी और जरूरी भी था। बिल्कुल सही सर। अब जैसे कह रहे थे जयप्रकाश आंदोलन के बारे में, आता है जेपी के आंदोलन में और उनके नारे से बहुत मुहाविष्ट होता है,
कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है। लेकिन संपूर्ण क्रांति के विचार को जब जमीन पर उतारना चाहता है, जैसे मान सम्मान के सवाल को, मजदूरी के सवाल को, तो वो एक बात भी कहता है कि अमूर्त नारे को मूर्त मांगों में तब्दील करना पड़ता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो ही उसने उसको कॉन्क्रीट करना शुरू किया, मूर्त करना शुरू किया, जैसे मजदूरी के सवाल को, तैसे ही जयप्रकाश आंदोलन के जो साथी थे छात्र संघर्ष समन्वय समिति के, उन लोगों का उससे अंतर विरोध शुरू हो गया। तो क्या ये अंतर विरोध जयप्रकाश आंदोलन के भीतर था जो प्रकट हुआ अमी के रूप में, या कहे कि ये अमी की अपनी निजी उससे आगे बढ़ना चाहते? देखिए, उसने कहा है कि जयप्रकाश के लोग दृष्टा थे, बदलना चाहते थे, और यह भी कहा है कि किसी भी आंदोलन की अंतर वस्तु से चीजें तय होती है, नारों से तय नहीं। उसने सारे शब्द कहेगा, मेरे शब्द नहीं हो, डॉक्टर अमी के शब्द उससे तय होता है। उसने पाया कि व्यवस्था परिवर्तन की बात खुलकर तो जरूर रहे हैं, परंतु असलियत यह है कि उसमें जो लोग लगे हुए हैं वो यही लोग हैं जो व्यवस्था को चला रहे हैं। तो गाँव के संदर्भ में चर्चा किया है तो ठाकुर बजरंगी सिंह, उनका जो चित्रण है, ठाकुर रमापति सिंह, रामबदन सिंह, हाँ, इस तरह के जो बहुत सारे भूमिपति हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मतलब वर्ग संघर्ष की बात धीरे धीरे आने जाती है कि जो वर्ग इस व्यवस्था से फायदा उठा रहा है और चाहता है कि उत्पीड़न रहे, वो चाहता है कि गरीबों को उनका हक नहीं मिले, जो सरकार ने कानून बनाए उन कानूनों का लाभ नहीं मिले। दरअसल श्रम में भी था तो मैंने जब देखना शुरू किया तो ज्ञात हुआ कि 1975 में उस इलाके में मजदूरी के सवाल को उस समय जो कुछ छोटे मोटे नक्सल गुटों ने शुरू किया, तो मैंने समझना चाहा कि कैसे शुरू हुआ होगा, कैसे पता चला होगा कि सरकार की कोई इस तरह से कोई कानून बना हुआ। तो ज्ञात हुआ कि श्रम विभाग ने 1975 में इमरजेंसी लगी थी, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया था, तो उन इलाकों में पर्चे बांटे थे कि मजदूरी सरकार ने तय किया, यह रेट है मजदूरी, और उसी कागज को लेकर के लोग मिलाते भी थे कि साहब जो सरकार का रेट ये है तो हमें ये मिलना चाहिए, क्योंकि एग्रेरियन लेबर वहाँ भारी मात्रा में थे, बाकी एक्टिविटीज तो की रही थे, कॉन्ट्रीब्यूशन तो खेतिहर मजदूरों और मालिकों के बीच का कॉन्ट्रीब्यूशन था। तब मुझे लगा कि ये जो मजदूरी के सवाल पे बाद में इस आंदोलन में चीजें उठती रही होंगी, उसका स्रोत वही था जो सरकार का नोटिफिकेशन था। तो जब सरकार के द्वारा बनाए गए कानून लागू नहीं हो पा रहे तो क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि जिनको फायदा हो रहा है वो चाहते नहीं कि लागू। और एक एसडीओ के रूप में जब मैंने काम किया तो मेरा भी कुछ अनुभव ऐसा ही निकला है। जस्ट बता दो, आप सभी जी की जानकारी के लिए बता दो, मैं वहां मात्र 5 महीने रहा था, लेकिन उसमें कोर्ट करना पड़ता है, एसडीओ के रूप में हम लोग कोर्ट करते हैं, 147 144 तरह के केसे जाते हैं। तो उन दिनों मैं बात कर रहा हूँ किस संख्या में, बात 1985 की बात कर रहा हूँ, पहले की स्थिति पिछली में रही होगी। तो गांव में मजदूरी के लिए हड़ताल होती थी, तो हम लोग जाते थे, जा करके आपस में सुलह कराते थे, समझौता कराते थे, लेकिन ऐसी स्थितियाँ थी कि पुलिस की तरफ से जिन गांव में हड़तालें हुई उन गांव में मजदूरों और एक गोस्वामी के विरुद्ध 107 का प्रतिवेदन आता था, उसको प्रतिवेदन कहते हैं, केस चलता था और उनको कोर्ट बुलाया जाता था। तो मैंने पाया कि बहुत सारे मामले में एक भूमि स्वामी खड़े हैं और वो वकील भी थे, और 30 गरीब माझी भुइया मुसलमानों का था, तो माझी भुइया 30 आदमी खड़े हैं और चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ था। तो मैं पूछता था कि अच्छा सरकारी वकील जो है सो वो स्वाभाविक सी बात है कि जाकर पुलिस के पक्ष में ही थे। मैं पूछता था कि फिर ये बेचारे इतने लोग और एक आदमी, तो कहा कि मजदूरी के लिए हड़ताल। तो मैं खुद कहता था कि मजदूरी के लिए हड़ताल तो मजदूरी तो मिलनी चाहिए, कि हड़ताल के कारण आप साथ को चला रहे, तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, तरजली तक जाता था। तो ये अनुभव भी मेरे पास था, अलग बात है कि मैं फिर पुलिस से मांगता था कि अभी सिचुएशन है, ये सब टाइम रिपोर्ट नहीं आनी होती थी, मैं सबको खत्म कर देता था। लेकिन अनुभव था, अनुभव मौजूद था कि अगर समस्या का समाधान जो सरकार की बनी हुई नीति उसके अंतर्गत प्रशासन या सरकार नहीं करा पाएगी तो कोई विकल्प तो पैदा होगा ना, तो विकल्प रूप में ही आंदोलन लोगों का चलता रहा और इन्होंने फिर हड़तालें करके या अन्य चीजें करके उसको लागू करवाने में कामयाबी हासिल की।
अब जैसे जी आपने कहा कि मजदूरी के लिए मान सम्मान के जो हड़ताल हुई और उसमें अपना फिर हड़ताल से फिर वो हथियार की तरफ आ गया, हिंसा हिंसा प्रति हिंसा की लड़ाई, और ये आंदोलन में दस्तों का इस्तेमाल होता है, ओपन मास फ्रंट है, इसके साथ आर्म स्क्वाड काम करता है, इस सब के घात प्रतिघात संघर्ष आते हैं। अंततः जो नायक है अमीर वो संन्यास में शुरुआत में चे गुवेरा की मोटरसाइकिल पर आगे पड़ता है, वो वेद पुराणों चारों वेदों को कोट करता है, फिर मार्क्सवाद का अध्ययन करता है, और ये अध्ययन की तरफ अंतर लड़ाई जब आगे जाती है तो फिर उसको लगता है कि वो गांधीयन मेथड की तरफ जाने लगता है। तो ये जो उसकी जर्नी है, ये जो उसका वैचारिक यात्रा विकास है, क्या वो डॉक्टर विनयन के अंदर था या एक आपको लगता था कि हिंसा हासिल प्रति हिंसा से मोह भंग का ये स्वाभाविक परिणाम है? चलिए, डॉक्टर विनयन के अंदर ही था, और उस समय जो लोग ये उस इलाके से परिचित हैं, पलामू से लेकर नालंदा तक, तो वहाँ पे बहस बड़ी तेज थी कि कुछ लोग व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हिंसा का सहारा लेते, कुछ अंडरग्राउंड नक्सल ग्रुप्स थे, कोई तो प्रोटेक्टेड आर्म स्ट्रगल की बात करते थे, कोई ऐसे तो एनिहिलेशन ऑफ क्लास एनिमीज की बात करके आगे बढ़े थे, फिर बोले कि नहीं एनिहिलेशन, बट असलियत ये थी कि इन लोगों के द्वारा लोगों को मारा जा रहा, तो मारा जा रहा था तो उसके शिकार कौन हो गए गए कि हम प्रशासन में थे और हमारी जिलाधिकारी भैया पुलिस की, तो किसको पकड़ रही थी? चूंकि इनका जो शेल्टर जिन गाँव में होता था, ऐसे गाँव थे जहाँ हमें बताया जाता था कि आप मत जाइए, और अगर जाइएगा तो हो सकता है आपको कोई गोली चल जाए, आप अगर जाने नहीं आप कर रहा हो तो आप गाड़ी को गांव के बाहर छोड़ दीजिए और आप सिपाही को साथ मत रखिए, आप पैदल जाइए। तो बहुत सारे से गांव थे, कारण यही था कि हिंसा पर हिंसा होती थी और पुलिस आती थी, तो जो तो खास करके दलित वर्गों के लोग थे उन लोगों के घरों में माना जाता था कि सेंटर है, तो वहां पे जो है सो उनको पकड़ा जाता था, उपन्यास मिश्रा जी ने दाखिल किया गया। तो ऐसी दशा में नुकसान किसका होता था? नुकसान तो होता था गरीबों को, लाभ कम मिला, नुकसान उनका ज्यादा हुआ। तो डॉक्टर विनयन जिस मतलब चर्चा कर रहे हैं, या जो आंदोलन जो वहां पे मुख्य जो धारा के रूप में लोग काम कर रहे थे, इन लोगों का मानना था कि हिंसा की बजाय जनसंघर्ष के रास्ते, जन जागरण के रास्ते लोगों को जगाना, इम्पावर करना, जब तक लोग इम्पावर्ड होकर के नहीं मांगेंगे तब तक हिंसा के रास्ते से आप परिवर्तन नहीं कर सकते, और उनके बीच काफी कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा था। मेरे पदस्थापन काल में ही 1985 में बात कह रहा हूँ, अरवल कांड के पहले की बात है, ये दिखाई पड़ रहा था कि हॉक्स और डॉग्स तो पैदा हो रहे हैं। डॉग्स वे थे जो मानते थे कि नहीं जनसंघर्ष माध्यम से होगा, हिंसा ठीक नहीं, और जो हॉक्स थे वे थे कि नहीं उसी रास्ते से होगा। और एक सिकरिया नाम के गांव में एक मीटिंग हुई, सूरजपुर है उपन्यास, राइट, नाम बदल गया, तो वहां पे जो है सो उस समय के आईजी थे डीएन सहाय साहब, तो डीएन सहाय साहब ने एक वहां पे लोगों से बातचीत करके मीटिंग कराई थी, बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, लगभग 10,000 आसपास लोग आए थे, गांव में 10,000 के आसपास लोग आए थे, और हम भी उस मीटिंग में गए थे, एसपी मिस्टर नायर थे जो हमारे साथ ट्रेनिंग में भी थे, तो वो भी केरला के थे, लोग भी गए थे, तो डर हम लोग ये था कि जो हॉक्स हैं वो डॉग्स को मीटिंग करा रहे हैं, हमला न कर दे। आईजी साहब का आदेश था पुलिस को कि देखो सारी गांव में सुव्यवस्था करना, में हमला नहीं करने का, ये संघर्ष की कंट्रडिक्शन दिखाई दे रहा था कि जो हिंसा में भरोसा करते हैं वे नहीं चाहते कि उनका एक तबका, उनका एक धड़ा या उनके समर्थकों का धड़ा वो शांतिपूर्ण में जाए। तो वैसी दशा में डॉक्टर अमीय जो है जो पात्र है वो शांतिपूर्ण माध्यम से, जिसमें गांधी निश्चित तौर से आ जाते हैं, अनशन उसने अनशन किया है, वो मानता है अनशन अपने दुश्मनों नहीं अपने दोस्तों को बनाने का सबसे बड़ा साधन है, वो जो अनशन करता है, नाम कुछ और देता होगा वो अनशन का, लेकिन वो अनशन करता है तो गांधी तरीके से करता है, और बाद में जगह वो कहता भी है मेरी मजबूरी है कि मुझे गांधीयन मार्क्सवादी समझते हैं, मार्क्सवादी सर्वोदय समझते हैं, जिनकी मैं गांधी जी बात करता हूँ, ये परमिशन वहां चल रहा है। व्यास जी जैसे ये आप बोल रहे कि यह अंतर विरोध था, लेकिन आपने कहा कि एक तरफ जन संघर्षों के माध्यम से पढ़ना चाहते थे, लेकिन जन संघर्षों पर इतना सामंती हिंसा थी
कि इनको जो आर्म्ड स्क्वाड रखना पड़ा तो इससे तो काफी सफलता मिली इनको। नहीं उनका एक काउंटर उसको कहते हैं कि डेटरेंट इफेक्ट था। उसका नुकसान ये हुआ कि मतलब हुआ क्या कि इन पर भी हमले हो रहे। जब आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोई लड़ाई लड़ते हैं, जैसे बिहार में तिवारी भी है, मैं भी हूँ, उनका अनुभव यही रहा है और काम तो करते उनको अनुभव रहा है कि जिनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट को प्रभावित करते हैं, आप प्रशासन में भी है तो आप उनके दुश्मन हो। इधर बिहार में सीलिंग लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए आप काम करना शुरू करें तो निश्चित तौर से आपके खुद के विरोधी पैदा हो जाते हैं जो न केवल समाज में होते हैं अपितु शासन प्रशासन में भी। जब प्रशासन में काम करने वाले लोगों के विरोधी इस वजह से हो जाते हैं कि सरकार की नीतियों को लागू कर रहे हो, जबकि सरकार के कागजों में है। मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी और उन्होंने देखा अधिकारी बहुत सारे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट उस समय नहीं चाहती थी कि बहुत ज्यादा इस चीज को उठाया जाए, पटाईदारी का समस्या हुआ उठाया जाए, तो सरकार के अपने अपने उनके प्रायोरिटीज हो जाती है। तो जब आप आंदोलनकारी के रूप में करते हैं उसको तो आप तो आरक्षित है, प्रशासनिक व्यक्ति थोड़ा सा आरक्षित है, क्या करोगे, हमें ट्रांसफर कर दो यहाँ से वहां तक। अगर जिसको ट्रांसफर को बड़ी बात जो नहीं मानता वो सुधार कर लेगा, लेकिन वो तो और आरक्षित है, उस पर तो हमले हो सकते हैं। तो जब इन पे हमले होने शुरू हुए उसी तर्क के आधार पे उस समय जो काम करने वाले कुछ अंडरग्राउंड एलिमेंट्स थे उन्होंने उनको समझाना शुरू किया बातचीत की, लेकिन नुकसान इनका यह हुआ कि सारे मुकदमे इन पर ला दिए गए, उनको कत्ल के मुकदमे ला दिए गए और ये जानते भी नहीं थे उनका उनका पढ़िएगा तो क्या हुआ, वो जानते भी नहीं थे, उसमें लिखा भी है, तो जानते भी नहीं थे कि ये क्यों हुआ। और उनको उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम करते हो उसकी जवाबदेही लो, तो जवाबदेही वो नहीं ले रहे थे और चूंकि फ्रंट पर यही लोग थे इतने मुकदमे हुए, तो मैं अंदर की बहुत सारी चीजें जानता हूँ कि वे लोग बाद में इनके बहुत सारे लोग मारा गया, यहाँ तक कि डॉक्टर विनयन जो डॉक्टर अमी जो पात्र जिस आधार पर गढ़ा गया है उनको मारने के लिए दस्ता भेजा जा रहा था। अभी हमें हाल हाल में पता चला है उसी समय के लोगों से पता है कि दस्ता भेजा गया था, और दस्ता किसने भेजा, किसने आदेश दिया था, उस समय के जो जनरल सेक्रेटरी नारायण समझा था। तो जो सज्जन मुझे बताए बोले कि मैं भी बैठक में था, मैंने मना किया अगर ऐसा मत पूछो, लेकिन इनके बहुत सारे दूसरे लोगों भी मार दिया, नुकसान का हुआ। तो वैसी दशा में ये शुरुआती दौर से ही कहीं ना कहीं संघर्ष उसकी बदमाशी थी, भ्रष्ट अफसर का नतीजा था। देखिए ऐसा है कि जिस समय घटना घटी है उसके पहले के 7-8 महीने देखेंगे तो वहां पे शांति और शांति के बहुत सारे कारण थे, अलग से भी बताएंगे, मेरा खुद का अनुभव इसलिए। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनको लग रहा था कि यह लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ये सोशल इकोनॉमिक इशू नहीं है। कुछ लोग थे जो कहते थे माइनॉरिटी थे कि सोशल इकोनॉमिक इशू, जो सोशल इकोनॉमिक इशू कहने वाले माइनॉरिटी थे उनको इस मेजॉरिटी ने बहुत नहीं इनकी बात सुनी और कहा लॉ एंड ऑर्डर है। उस समय पंजाब में भी घटनाएं शुरू चली गई थी, बैग आतंकवादी लोग हैं, इसने कहा कि जवाब दो गोली का जवाब गोली वाला पॉलिसी वहां पे आएगी, नाम लोग कौन थे ऐसा मामला है। उसी समय उसको पूरी जिला पहले बनाया गया, देखिए उत्तर प्रदेश का मैं हूँ ऐसा कभी देखा नहीं कि जिले का बंटवारा तो पहले पुलिस जिला बनता है, हमारे यहाँ पुलिस जिले भी है, पहले उसको पुलिस जिला बनाया गया जहानाबाद अरवल से काट के, और जब पुलिस जिला बनाया गया तो इसलिए बनाया गया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और पुलिस जिला बनाने के बाद एक तेज तर्रार अफसर चाहिए था जो उसको सोशल सोशियोइकोनॉमिक कारण नहीं माने, तो उसमें जो पुलिस कप्तान भेजे गए, हालांकि बाद में मेरे साहब एक जगह स्पीक थे उन्होंने मुझे स्वीकार किया कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, वो सच स्वीकार किया हमेशा ऐसी घटना सफल होने वाली थी, तो मैंने मौजूदा साथ में संजय गांधी ने कहा किसी मतलब
वही घटना हो जाती, बट आपकी वजह से ऐसे ही विचारों से बनती है। चलिए, फिर तेज तरार अधिकारी भेजा गया, उसको बताया गया कि इन सबों को ठीक कर देना है, मुझे ठीक कर देना है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी प्रणति कहीं ना कहीं होनी है, इस तरह वो घटना। अब जैसे आप, जैसे आपने बताया कि आप रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, और ये पूरा इलाका आपकी भाषा भी घुस हुई है, ये पूरा मगही इलाके में सारा संघर्ष चल रहा है, तो जो उपन्यास में जो कई पात्रों के जो वक्तव्य है, जो आपसे बातचीत है, तो मगही में वो बोलते हैं, इसका टोन है, उसका साउंड आता है, इसको आपने बतौर एक साहित्यकार इसको कैसे साधा? क्योंकि कई कई हमने देखा उसे मनई एक शब्द आता है, तो मनई मगही में लगता है कि थोड़ा अपरिचित जैसा है। चलिए, बहुत सारे शब्द तो फिर भोजपुरी में भी आ रहे होंगे, और कुछ मगही के भी, क्योंकि हम उस इलाके के लोगों से इंटरव्यू या कुछ काम कर रहे हैं, तो कुछ शब्द उनसे भी मिलेंगे वहाँ पर। फिर जैसे भी हनुमान जी बोले, कल हनुमान जी बोले कि हम मैथिली बात सके, हमने कहा विकास जी को हम पूछ सके, बात ना सके, हम लोग पुस्तक रहे हैं तो समझ लेते हैं, बात नहीं सके। तो वही वहाँ चूंकि हमारी ट्रेनिंग हुई थी, वो शब्द हमने वहाँ ग्रहण किए थे, उस लोगों से बातचीत होती रहती, ग्रहण किए थे, बट मेरी अपनी भाषा तो भोजपुरी थी, तो कुछ भोजपुरी के शब्द उसमें जुड़े होंगे, कुछ हिंदी के शब्द, हिंदी तो जुड़े होंगे, और कुछ मगही के शब्द जुड़े थे, गाँव में महिलाओं की बातचीत में कुछ मगही के शब्द आते थे, और उसमें अब हल्फून और हल्फीन और अपना मित्र भी रहा हूँ, तो कई बार वो शब्द कटमड हो रहे थे, लेकिन कोशिश की गई कि नहीं मिथिला वाले शब्द नहीं आ रहा है। अभी मैं कोरोना से काम कर रहा हूँ, जो मिथिला से पाती है, तो वहाँ पर मैंने फोन करके पूछा कि इस चीज़ को क्या कहेंगे आप, क्योंकि मेरे दिमाग में जो शब्द था वह शब्द नहीं होना चाहिए था, तो हो सकता है कि अगर मेरे दिमाग वाला ये शब्द आ जाता तो मैं गलत नहीं देता। तो ये चीज़ें आई हैं, तो ये क्या है, मुझे बल्कि ताज्जुब हुआ कि मगही का जो ध्वनि संसार है, इसको पढ़ते हुए जो साउंड है, पात्र जैसा बोलता होगा, वो आता भी है पकड़ में। दूसरी बात मैं ये पूछ रहा था, वो बातचीत थोड़ी अधूरी रह गई थी, क्योंकि जैसे डॉक्टर अमी अंत में वो लगता है कि गांधी की तरफ जाना चाहिए, तो गांधी की तरफ जाना क्या उसका जो पूरा आंदोलन है, जब बिखर जाता है, संगठन टूट जाता है, सारी चीजें, कई साथी मारे जाते हैं, जनवी सिंह है, सत्या सुनार है, अरविंद सिंह है, जो बिल्कुल ही उससे अलग है, तो ये क्या उसका गांधी की तरफ जाना एक उसके अनुभव का निचोड़ है, या कई बार होता है कि हमें बड़े संगठन बिखर, संगठन बिखर गया तो हारे को हरिनाम वाली बात हो? नहीं, एक्चुअली अगर आप शुरू से देखेंगे तो जब विद्यार्थी के रूप में डॉक्टर अमी को मैं दिखा रहा हूँ, तो एक जगह मैंने लिखा है कि वो चला गया गांधी समाधि पर, वो एक तरफ स्टडी सर्किल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में अटेंड कर रहा है अपने अवधेश के साथ, उपनिषद और गीता उसके पिता, उसकी माता से मिला, भाई से उसके संस्कार मार्शवाद मिल रहा है, तो वो एक तरीके से कह सकते हैं राह ढूंढ रहा, और जब हमने उसको हिमालय दिखलाया है तो वो निश्चित तौर से डॉक्टर विनयन का ही कर्तव्य इसमें, जब वो 40 दिन का उपवास करता है तो करता कि कारण क्या होगा 40 दिन का उपवास, कहाँ पर उपवास करता है, तो जाकर के गोमुख में करता है, कहता है कि ईसा ने भी 40 दिन का उपवास करता है, बुद्ध ने भी किया था, तो देखिए उसका अपना जो संसार है तो ईसा बुद्ध इनसे जुड़ा हुआ संसार है, और गांधी की तरफ मैंने एक्चुअली उसको दिखलाया है, तो बाद में हुआ है, हमने अपने पात्र में गांधी को शुरू से कहा, मार्क्स, गांधी, भगत सिंह, ये सारे चीजों से वो अनुप्राणित है ना, ऐसा नहीं वो केवल मार्क्सिस्ट है, तो गांधी है या वो क्रांतिकारी हिंसा वाला है, तो उसे कह सकते उसका अपना विकास भी होगा, क्योंकि तो संन्यास लेने वाला व्यक्ति स्वामी सहजानंद सरस्वती आए यहाँ पे काम किए, पर गंगी स्वामी के ऊपर दंड तो नहीं छोड़ा, ये आदमी तो मैं सब कुछ छोड़ दिया, धर्म तो सुबस्था नहीं, ये तो सन्यासी का कोई बहाना इसके पास था, बट वो पैंट शर्ट ही पहनता है, तो ट्रेन में आ रहा है, पकड़ा गया है तो वो पैंट शर्ट पहन के आ रहा था, पैंट शर्ट पहन चुके, उसका अपनी विचार यात्रा है पूरी, और हर मनुष्य की विचार यात्रा होती है, ऐसा नहीं कि आज से 20 साल पहले हम जो जिन चीजों को जैसे जैसे सोचते थे
आज की तारीख में तो अनुभव हमें प्राप्त होते रहते हैं। तो उस अनुभव से उसने पाया होगा, पाया कि हिंसा का रास्ता और से बहुत फायदा नहीं हो रहा है। और देखिए अगर उसको कहा जाएगा तो उसके भविष्य वक्ता अगर हुआ होगा, देखिए बिहार में तो खत्म हो गया, बिहार में तो हिंसा की कोई राजनीति वाली जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी वो तो बिल्कुल समाप्त हो गई है। तो वो कहता भी जगह है ना कि तुम सरकार से नहीं लड़ सकते, फौज में इस फौज से नहीं लड़ सकते हो, वो तुम चीन के बारे में सोचते रहे कि लॉन्ग मार्च हुआ और प्रोटेक्टेड आर्म सर्विस हुआ, वो समय नहीं ना, चीजें बदली है। वो कह रहा है इसको निराशा हो तो नहीं हो सकता, वो अनुभव भी है पहले से, उसकी विचार यात्रा भी है, उसका अध्ययन भी है और सभी के माध्यम से उसका विकास भी है। आप सही कह रहे हैं कि उपन्यास बहुत शुरू में जब वो पात्र उपन्यास में प्रवेश करता है उसी वक्त ये सारी चीजें, वो बार बार यजुर्वेद है उसका, वो श्लोक वो बार का वो श्लोक बार बार वो उद्धृत करता है कि सत्य का जो मुख है सोने से ढका, सोने के पात्र ढका, ये बार बार उपन्यास में। ये अंतिम बात फिर हम दूसरी तरफ चलेंगे कि आपने फैज को, मुक्तिबोध को, निराला को, इराक बरकपुरी को, तो कई जगह से वो बातें आई है अपनी बातों को रखने के लिए कि अमी कई बार करता है, कई बार उपन्यास के दूसरे पात्र करते हैं। इतना ज्यादा इतनी कविताओं का इस्तेमाल करने में कभी आपको असहज नहीं हुआ उपन्यास से? ये कुछ एक कहानी बुनते समय जिसे जब आप एक पात्र से हर पात्र का चित्रण करना चाहिए, तो मैं अवधेश नामक पात्र का चित्रण कर रहा था तो वो साहित्य का भी था। जब साहित्य के विद्यार्थी को आप सियासत में लाते हैं तो साहित्य के रास्ते कैसे आएगा? शिवराम जो शक्ति पूजा को पढ़ रहा है वह जैसा जो इलाहाबाद में रह रहा है तो फिर इलाहाबाद का विद्यार्थी तो साहित्य का होगा, वो फिराक साहब से कैसे परिचित नहीं होगा? फिराक साहब जैसे उनकी तो चर्चा नहीं की, अलोक धनवा जी निराला जी की चर्चा की, फिराक साहब तो निराला जी के कुछ शब्दों पर ऐसा खिलवाड़ करते थे कि लड़के लोग लड़ने लगते थे उनसे। फिराक साहब की खासियत थी जो मैंने उसमें जिक्र किया हुआ है, जब जूही की कई कविता की वो वल्लरी शब्द पर काफी वो मजाक उड़ाती, हाँ वल्लरी ये लोग लड़ जाते थे, कहा उस दिन में कहा शब्द है, तो ये यथार्थ से मैंने लिया है, वास्तव में लड़ जाता है। मैं इसमें के पी सिंह जो जो बाद में बी एस पी तरफ विभाग में मारे गए, तो वो फिराक के हैं लोग लगातार जाते थे गाँव का घर था। तो जब साहित्य के रास्ते में अपने उस पात्र को गढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इलाहाबाद में तो साहित्य के रास्ते गढ़े जाएगा तो फराक से भी मिल जाएगा ही, वो तो राम की शक्ति पूजा पढ़े रही। और जो कर्नलगंज थाने का जिक्र किया हुआ है, उस जब इमरजेंसी लगी थी, असलियत यही है यदि कोई भी जोर जोर से विद्यार्थी बोलता हुआ निकलता था तो उसका अगला जवान भी उसको फटकारने लगता था, मैं खुद उस फटकार को दे चुका। तो उन अनुभवों को भी जोड़ना पड़ा, ठीक है, इसीलिए कविताओं का जिक्र जैनू में आप जोर से चर्चा करेंगे कि बड़ा जी पढ़े हुए हैं वहां तो कविताओं का खूब इस्तेमाल होता है। तो ऐसी दशा में जब कविताओं का इस्तेमाल करने वाले विश्वविद्यालय का जिक्र करेंगे तो फिर चीजें आएंगी आएंगे और वो वहां से लौटा है और देखेंगे कि वह पात्र वहां से लौटा है, इसलिए कोई फैज जब सुना रखा था हम भी फैज सुनाए पात्र हमारा है इसलिए। और फैज की वही कविताएं सुनाता है जो निश्चित तौर से अंत में उपन्यास में से डेथ पर भी, क्योंकि वो डेथ पर भी जो मेटाफिजिकल कवियों की कविता है वो भी नहीं है उसके पर जो की। जैसे इसमें हार्दिक पात्र जैसे पात्र है, किरण एक पात्र है, ऐसा प्रतीत होता है उपन्यास को पढ़ते समय कि जैसे अमी और किरण के बीच एक संवेदनात्मक की कोमल भावनाएं हैं दूसरे के प्रति। पढ़ते हुए कई बार ऐसा लगा कि शायद दोनों उपन्यास की दिशा से एक स्वाभाविक विकास रखता है, दोनों के बीच एक संबंध होगा, लेकिन फिर वो कट जाता है। तो ऐसा लगता है कि आपने उसको विकसित क्यों नहीं होने दिया उसको? सर कारण ये था कि जब आप उसको उपन्यास को पढ़ते हुए डॉक्टर विलियम का नाम ले रहे हैं और डॉक्टर विलियम की शादी नहीं हुई थी, तो लेकिन अगर मान लिया मैं किरण को न गढ़ता और एक कहानी करता पात्र, आप तो उपन्यास लिख रहे हैं तो क्या जरूर का जो थीम है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब उपन्यास का थीम मध्य बिहार का किसान आंदोलन होगा तो उसे प्रेम कथा नहीं बना,
आप तो उपन्यास लिख रहे थे, क्या जरूरी था? नहीं तो मेरे मन में शुरू से ही था कि इसको प्रेम कथा के रूप में जैसे बताया कि क्यों अनुराग छोड़ा गया। जैसे हमने उनके भाई से बात की तो कुछ बातें मुझे पता चली, यार बता रहा उचित नहीं होगा ना, उनके कुछ मित्रों से बात की तो बातें पता चली। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य बिहार में अगर हमें दिखाना है मध्य बिहार किसान आंदोलन से संबंधित नायक ऐसे फील्ड हो रहा है उसको प्रेम कथा बना देने से बिल्कुल कहीं ना कहीं यथा की अनुराग दिखलाया जाए जरूर, लेकिन अनुराग एक सीमा तक दिखाई। जैसे आप देखेंगे कि उनके किरण के मन में जो प्रेम स्फुटित हुआ खत्म नहीं हुआ, जब सदेश की मृत्यु हुई है तो हिलक हिलक करके सिस्टर के साथ होती है, तो कहीं ना कहीं देखिए सिस्टर लगातार वहां पे मौजूद होती है तो सिस्टर भी रोना चाहती और एक दूसरा वो रो रहा है। आप देखेंगे कि जब वो रो रहा है कि कहानी है और जो रो रहा है उसकी आंखें सूजी हुई है, उसके सिर पर हाथ पंप फिराता है, तो शर्मा जी हमारे डॉक्टर शर्मा है जो एक वास्तविक पात्र है, दुनिया में नहीं रहे, ठीक है ना, तो वे कहानी है लेकिन वो हाथ फिलाते हैं उसको बेटी के। राग खत्म नहीं हुआ है उसके अंदर, उसके मरने के बावजूद भी इनके अंदर भी वो अनुराग रहेगा, लेकिन उसे स्वाभाविक परिणति दरकार हो सकती। क्योंकि मेरा अनुभव महिलाओं के बारे में बहुत ज्यादा हाई नहीं करते, तो अब मैं जानता था इतना ही वीरेंद्र के पास है कि नहीं, तो ये बोलती थी कि डॉक्टर वीरेंद्र को महिलाएं बहुत पसंद करती थी, वो उनसे बहुत बातचीत करते थे, हम महिलाओं से बातचीत नहीं कर पाते। मेरा ये संसार बड़ा सीमित, हम लोग बिल्कुल शुरुआती तौर से दूसरे तरह के वातावरण में अपने को डालते रहे। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, इस परिस्थिति में क्या होता होगा, तो विचार करके उस पात्र को लाया गया। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जहानाबाद में जो उस किताब को लोगों ने लिया, एक व्यक्ति ने कहा कि सर हम तो जानते ही नहीं थे कि डॉक्टर साहब का कोई संबंध किसी से था। मैंने कहा भाई उनका नहीं संबंध था, ये एक कहानी का पात्र है। तो अंदाजा लगाई जब मैं उसको प्रेम का था तो आगे बढ़ाता, और ये सही है कि चूंकि उसका उपयोग साहित्य जानने वाले लोग भले ही कम करेंगे, जो आंदोलन के लोग उनके लिए तो बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी हैं जिसके आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। अंत में जैसे कहानी की कई बार उपन्यास की मांग, उपन्यास अपनी गति से पढ़ रहा है, कई बार लेखक से स्वायत्त भी थोड़ा रहता है, तो वो उधर जाता, तो कहीं आपका जो विचारधारात्मक जो आग्रह करवाएगा उसको अपने थोक तो नहीं दिया, कह सकते हैं जो वास्तविक बनाने के लिए हमने अवास्तविक चीजें डाली लेकिन उसको। अंत में एक सवाल और करके फिर हम चाहेंगे कि आप लोगों के मन में कोई बात हो तो आप करते हैं। जैसे आप एक प्रशासनिक पदाधिकारी रहे, पेशे से टीचर रहे, ऐसे लोगों को जब भी उपन्यास या साहित्य या कहानी लिखते हुए जब देखा गया है, ऐसे समय के बारे में जो काफी उथल पथल बड़ा हो, झंझावात हो, काफी उसमें तनाव हो, तो एक दूर से वो कोई लेखक देख रहा है तो ऐसा लगता है सैलानी की निगाह से देख रहा है, वो दूर खड़ा है सैलानी की तरह चीजें घट रही। तो ये एक जो आप जिस अवस्थिति में रहते हैं, ये जो मुश्किल होती है, इससे आप कैसे बच पाए, इसके लिए कुछ क्या विशेष प्रयास किया? हमारे जैसे लोग हर चीज पर नहीं लिख सकता, जो चीजों को समझा है भोगा है उसी पर ज्यादा गहराई से लिख सकते हैं। तो हमारे स्वरूप प्रशासन के स्वरूप, तो ऐसी दशा में हमारे अपने अनुभव, उन अनुभव में कई बार ऐसा होता है कि आपको अतिरेक से भी बच नहीं कर सकता होती है, नंबर एक। नंबर दो, उधर गोपनीय चीजों को भी छोड़ नहीं कर सकता पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि उचित तो नहीं होगा बहुत गोपनीय चीजों को डाला जाए, और उस आंदोलन वाले गोपनीय चीजें हमें पता है तो उसमें नहीं डाल सकते, और अतिरेक से भी अपने को बचाना होता है। लेकिन जरूरी है कि इस तरह के क्षेत्रों में लिखने के पहले आपका अपना थोड़ा सा अनुभव रहता है तो काम आ जाता है, क्योंकि आप स्वयं रचनाकार हैं, बहुत क्रिएटिव होने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है, स्थितियों करना पड़ता है, तो स्थितियां बिल्कुल अबूझ है, अस्पष्ट है, तो आप काल्पनिक चीजें करेंगे, है ना। अब एक उपन्यास नाम होने का बड़ा मशहूर हुआ है और हमें उसको पढ़ना शुरू किया, तीन चार पृष्ठ के बाद हम उसको नहीं पढ़ पाए, जब हम क्लासिक उपन्यास पढ़ते हम जो है सर चार्ल्स डिकेंस को पढ़ते, और चार्ल्स डिकेंस को उपन्यास पढ़ते समय भले उससे अंग्रेजी दूसरे तरह की समय की अंग्रेजी है, लेकिन लगातार पढ़ने का मन करता है, कई बार जब अंग्रेजी समझ में नहीं आती है
तो आदमी सुन लेता है, संगीत देख लेता है, लेकिन इस उपन्यास में चर्चा करना बहुत चर्चित है। तो मंगाया धनराज जी ने मंगाया था, वो सब तो ड्राइंग रूम में रखने के लिए काम है, बड़ा मशहूर है, पर नहीं था। तो काल्पनिक दुनिया, अब हमारे लिए काल्पनिक दुनिया रचने के लिए वह जो कल्पना शक्ति है वो नहीं है, स्वीकार करना पड़ेगा, वो नहीं है हमारे पास। अब उसमें दीवार की चर्चा है, और जो पुरुष दीवार पर लिख दिया गया है, दीवार क्या करती है, नहीं बोलती है, कैसे करती है, आज कल अब वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने रश्मि को पढ़ा, रश्मि का जो जिसपे भुगत प्राइज मिला है मिड टाइम शेड्यूल, अब वो बहुत सारे ऐसे ऐसे पात्र है, वो क्या बातें करते हैं, वो हमारी दुनिया का पात्र पता नहीं है। तो अपनी दुनिया के बारे में लिखने में ज्यादा सुविधा होती है। तो आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक दुनिया का जो मेरा अपना अनुभव है उसमें लिखने से मुझे ज्यादा सुविधा होती है, और हो सकता है आगे कुछ फालतू दुनिया की मेरा मानना है कि आमतौर से जो रचनाकार अगर कुछ चीजों को देखे होता है और उसको गहराई से सोचना होता है, समझना होता है, तो शायद वो बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया व्यास जी, उपन्यास को जो मैंने पढ़ा तो बहुत ही उसकी दिलचस्पी अंत तक बने रहती है, बनी रहती है, आगे क्या होगा इसकी उत्सुकता रहती है। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद उपन्यास के लिए। आप लोगों को अगर कुछ लगे कोई सवाल तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ जिज्ञासा हो तो बता सकते हैं। रविशंकर जी, व्यक्तिगत च्वाइस होता है, मैं बिल्कुल गांव का रहने वाला हूँ, और मैं गंगे की चोट पे खुश होकर के और गर्व से कहता हूँ कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग में गया था 1980 के बाद, मैं आईपीएससी कर लेता, उस समय मुझे स्मृति है कि हमारे एक परिचित होते थे जो रहने वाले थे मिर्जापुर के गाँव के, उनका नाम था जयशंकर या पिताजी, किसी ने उनको बोल दिया कि गाँव के हैं, वो बिगड़ गया था। और 5 साल नौकरी करके आए थे, इंजीनियर थे वो, रेल कोटे इंजीनियर थे, तो अब उनको श्रम क्यों आ रही है, ये व्यक्तिगत चॉइस है। और हम खुलेआम का जब अमृत पाली के रहने वाले हैं, जबकि वो शहर का हिस्सा है, बट बलिया को क्या बड़ा शहर तो है नहीं। हमने रैगिंग के समय मेरे जिले का एक हमारे सीनियर थे, रैगिंग करते समय जब मैंने कहा मैं बलिया को कहा बलिया का नाम मत लेना, लेटी को बोले थे, उनका नाम बनारस के हैं, मैंने सुन लिया उनकी बात, मैंने कहा मूर्ख ऐसा क्यों बोल रहा है। अब आलोक जी से तो हम लोग कहते हैं गाजीपुर के हैं, बलिया के हैं, आलू से हिसाब से हमारी भोजपुरी बातचीत होती है। हमारे एक बैचमेट है जो केरला कैडर में है, पटना के हैं, रहने वाले बलिया के, हम लोग भोजपुरी बात करते हैं। मुझे लगता है कहीं कहीं व्यक्तिगत च्वाइस भी है कि कुछ लोगों से मिलना पसंद करते हैं, कुछ लोग दूरी बनाते हैं। हो सकता है हमारे से लोग गांव के नहीं होते, अगर ऐसा नहीं कि शहर का आदमी गांव के लोगों से नहीं मिलता होगा, लेकिन हो सकता है कि कृष्णभूमि रहे थे, होती के साथ बिल्कुल उच्च मध्य वर्ग से आए होते और किसी कॉलेज का नाम नहीं, मान सेंट स्टीफन से होते हैं, वही गए हैं, पर हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हैं। प्रशासन में भी व्यक्तिगत च्वाइस का विषय, यदि आप लोगों से मिलते जुलते हैं, यदि आप जाकर लोगों की झोंपड़ी में बैठते हैं, इससे आपका स्तर कम नहीं होता, ठीक है ना। आपका मतलब आप लोग क्या मानेंगे, ये मानेंगे भाई बहुत अच्छा आदमी है, खराब नहीं कहता कोई। हाँ, जब कैमरा शुरू कर देगी वाह बेवकूफ आदमी है, हालांकि हमारे जीवन में सब एक बार हुआ है कि कोई मिले की जाया और बोला कि साहब को बुलाइए, तो हमने कहा हम ही है, तो सोचा था जो उनके बच्चे हैं साहब तो जैसे लगते नहीं, तो ऐसा होता रहता है। लेकिन व्यक्तिगत च्वाइस का विषय है, तो हो सकता हमारा च्वाइस रहा हो कि लोगों के बीच जाना चाहिए, तो उससे जाने से बहुत सारी चीजों का पता चलता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो अप्रोचेस की बात है, प्रशासन में अप्रोचेस की बात है, उसको ब्ले से अप्रोच नहीं होते से प्रशासन है, ठीक है ना। तो अप्रोचेस की बात है। और कोई विमल लगा तो कब बताए थे वो अपने, हमें
आगे फिर मैथिली मनी साहब बोल रहे हैं। मनीष जी, मैं पहले एक बात कह देना चाहता हूँ, पहले को बहुत बधाई, क्योंकि बहुत बधाई उनको। आमतौर से होता क्या है कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स जो लिखते हैं एक दो किताबों के बाद वो फिर वो गायब हो जाते हैं, उसकी निरंतरता वो उनका निर्वाह नहीं कर पाते, मतलब तो एक लिखा दूसरा ऐसा नहीं हो पाता, होता ही चलिए उनके नाम पे किताब आए, वो यह निरंतरता इनमें बनी हुई है। देवचंद जी ने 1930 के हंस के एक अंक में लिखा था, कहा था उन्होंने कि उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त के रचनाकारों के लिए बहुत ज्यादा वह चुनौतीपूर्ण समय होगा, क्योंकि हम लोगों के समय में हम लोग कल्पना को सत्य बताकर लिखते हैं, लेकिन आने वाले वक्त के रचनाकारों के लिए यह हम लोगों के समय से ज्यादा बड़ी चुनौती होगी, जबकि उसको सत्य को कल्पना बनाकर लिखना होगा। व्यास जी ने बता क्या है हम बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों का मैं धर्मेंद्र भाई से आग्रह करता हूँ।